नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित। इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो हर एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं। तो दोस्तों देखते रहे हमारे इस चैनल को, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें इस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, जल्दी से बताएं आप कमेंट करके, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अमेरिका। क्या आएगा? अमेरिका। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि राज्यसभा के बैठकों का सभापति कौन करता है, यानी सभापति कौन होता है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों सोचकर इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, यानी उपराष्ट्रपति। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्या आएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है फोर्थ कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है, जल्दी से सोचकर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है डी, कोई सीमा नहीं। न्यूनतम आयु होती है 35, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं है दोस्तों, डी आंसर है। आगे है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, जल्दी से बताएं दोस्तों सोचकर। तो इसका आंसर आएगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या आएगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से बी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो छठा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन तय करता है, जल्दी से सोचकर बताएं दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को तय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सी आंसर है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, जल्दी से बताएं दोस्तों सोचकर इसका आंसर। कितने समय तक उपराष्ट्रपति रहता है? तो इसका आंसर आएगा बी, यानी 5 वर्ष। कितना है दोस्तों? बी, 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल तक रहता है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताएं आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा ए, यानी राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पर हम कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को दोस्तों, इसका आंसर है ए। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो दसवां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन मिलता है, जल्दी से सोचकर बताएं इन चारों में से दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताता हूं इसका आंसर आएगा डी, यानी 4 लाख रुपए मंथली उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब है ग्यारहवां क्वेश्चन हमारा कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, जल्दी से बताएं दोस्तों सोचकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी संसद को। किसको? संसद को। अब चलते हैं दोस्तों हम बारहवें क्वेश्चन पर कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार किस स्थिति में संभालता है, जल्दी से सभी दोस्तों सोचकर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा डी, यानी उपयुक्त सभी मामलों में, अनुपस्थिति में, बीमारी में और अपना कार्य करने में अक्षम हो, तो इन तीनों स्थिति में वो संभालता है।
अब है 13वां क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो कितनी अवधि तक, जल्दी से बताएं सोचकर। तो इसका आंसर आएगा बी, अधिकतम 6 माह तक, यानी 6 महीने तक संभालता है, बी इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 14वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पहले भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। अब है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई, कि राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों जल्दी सोचकर बताएं, कृष्ण कांत, यानी डी कृष्ण कांत, डी इसका आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है, जल्दी से जरूर बताएं जल्दी से दोस्तों कमेंट करके। तो इसका आंसर आएगा सी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, सी आंसर है इसका, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है, तो इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बी, बीवी गिरी। क्या है? बीवी गिरी, बी आंसर है इसका दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, जल्दी से बताएं इन तीनों में से, ए बी सी में से। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मैं बताता हूँ ए, अनुच्छेद 63 में। कौन सा? अनुच्छेद 63 में। अब चलते हैं दोस्तों हम 19वें क्वेश्चन पर, कि भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 69, यानी 69, अनुच्छेद 69 सी इसका आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 20वां, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 64। क्या आएगा? बी, अनुच्छेद 64। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने 20 क्वेश्चन पूछे हैं, ये बार बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।